उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम तुलनात्मक राजनीति का, डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल, इस पे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेज, मॉडर्न अप्रोचेज को समझा था। तो मॉडर्न अप्रोचेस का ही एक पार्ट है जिसमें कि डेविड ईस्टन की का पॉलिटिकल सिस्टम उसका एक पार्ट है, जैसे कि उसमें डिफरेंट अप्रोचेस थे। एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम, तो उन्हीं में से एक डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। ये एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा एक तो सबसे पहले कि पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं वो सब चीज़ें किस तरह से रेगुलेट हो रही हैं, कैसे चल रही हैं, उसको हम आज इस लेक्चर के माध्यम से समझ पाएंगे कि व्यवहारिक तौर पर ये किस तरह से काम करता है। दूसरी चीज़, हम इस लेक्चर के माध्यम से हम जो भी, क्योंकि जनरली इस टॉपिक को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला टॉपिक है, तो कन्फ्यूज़ करने वाला क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है जो जनरली पॉलिटिकल साइंस में इससे पहले नहीं होती थी। इससे पहले जैसे हमने प्लेटो से लेके मार्क्स तक के फिलोसोफर्स को पढ़ा है, उन लोगों ने मतलब कभी भी इस तरह से इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ नहीं किए जाते थे। ये जो टर्म्स हैं ये रहे हैं, हम देखेंगे ये जो भी साइंस के या टेक्नोलॉजी से संबंधित ये शब्द हैं। तो इनका प्रयोग क्यों जो है राजनीति विज्ञान में किया गया, तो ये हमने अपने पहले के भी लेक्चर में हमने बात की थी कि डेविड ईस्टन जो है, ये डेविड ईस्टन के द्वारा ये किया गया कि कैसे हम जो है इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारी स्टडी है, मतलब कि हम अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें बाकी सब्जेक्ट्स कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैसे हम कुछ कंटेंट जो है बाकी विषयों से भी ले सकते हैं। तो ये हमें जो है इस पूरे विषय में, हम आज की इस चर्चा में हम ये पूरे विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी जो है, जनरल सिस्टम थ्योरी, ये सबसे पहले बर्टन लेफी ने दी थी, जो कि बायोलॉजी की थ्योरी रही है। और इसी थ्योरी को कैसे डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने के लिए प्रयोग किया है, इसको आज हम समझेंगे। जनरली सिस्टम थ्योरी है क्या? द सिस्टम थ्योरी इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। A system is defined as a set of related units which interact with each other on continuous basis. मतलब कि जो भी system है, जो भी व्यवस्था है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो है कुछ units होती हैं, कुछ different जो है units होती हैं, उन्हीं units का जो आपस में interaction होता है और वो इंटरेक्शन जो है कंटिन्यूस बेस पे चलता है, तो वो एक व्यवस्था है। जैसे कि कोई भी व्यवस्था है उसको हम, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये व्यवस्था किस तरह से काम करती है। डेविड ईस्टन इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर टू यूज द सिस्टम एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल प्रोसेस। डेविड ईस्टन जो है पहले जो है विचारक हैं जिन्होंने सिस्टम जिन्होंने जो है सिस्टम एनालिसिस को, पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया या उसका प्रयोग किया। इनकी जो बुक है अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, इस बुक में इन्होंने जो है इस पूरा जो ये इनका पॉलिटिकल सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसे जो है हम इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, हिंदी में इसको आगत निर्गत सिद्धांत भी कहा जाता है। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, अब जनरली जो डेविड ईस्टन है उनका जो फोकस रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम में रहा है। सिस्टम्स जो है वो बहुत से रहे हैं, जैसे कि चाहे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे हमारा जो है सोशल सिस्टम हो, लेकिन उनके द्वारा जो है पॉलिटिकल सिस्टम पे बात की है। पॉलिटिकल सिस्टम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, जो भी इसके तत्व हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जो कि जिनको हम एक एलिमेंट्स के तौर पर देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट इसमें क्या डिफरेंट है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नमेंट ही है या गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट है।
तो इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पर जो है अध्ययन का जो केंद्र थे वो कुछ जो है संवैधानिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, जो हमारी संस्थाएं थी, सिर्फ उन्हीं पर बात की जाती थी, वही जो है हमारे अध्ययन का केंद्र रहे हैं। लेकिन जब मॉडर्न अप्रोच अपनाया गया तो इसका जो है इसका वाइडर जो एरिया है इसको शामिल किया गया अपने अध्ययन में। इसमें जो है पॉलिटिकल सिस्टम को, इसलिए उनके द्वारा गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम का प्रयोग किया गया, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट भी शामिल है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, लेकिन इसमें हमारा बिहेवियर जो भी हम जो हमारे एज अ वोटर हमारा बिहेवियर, एज अ पॉलिटिशियन हमारा बिहेवियर, ये सारी चीज़ों का, सभी विषयों का इसमें अध्ययन किया गया। साथ ही जितने भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, जो अंतर संबंध है, उसको जो है पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। तो डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है उसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं। इसके अलावा डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम को एक अलग तरह से समझाया है और ये बार बार एक कथन के तौर पर हर एक मतलब लगभग बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं उसमें पूछा जाता है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, ये किसने इसको इसका इस ये किसका ये जो वाक्य है ये किसका है, इसको हिंदी में कहते हैं कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब जब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं तो वो इसमें इतने भारी भारी टर्म्स हैं कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली वो इसके माध्यम से ये जो उनका उन्होंने अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी ये जो इन्होंने व्याख्या की है पॉलिटिकल सिस्टम की। डेविड ईस्टन, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम कंसर्न विद अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, अब हम इनको अगर एक साथ समझना चाहें तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम इनको ये जो टर्म्स हैं हमारे जो हमें थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं उनको हम अलग अलग समझेंगे। सोसाइटी तो समझ में आ रहा है, ये समाज की बात इसमें हो रही है। इसमें तीन टर्म है, अथॉरिटेटिव, एलोकेशन और वैल्यूज। इन तीन जो ये शब्द हैं इनका क्या अर्थ है या किस तरह से इनको ये जो है पॉलिटिकल सिस्टम में और व्यवहारिक तौर पर ये मतलब रेगुलेट होते हैं या इनका यूज किया जाता है। जैसे कि हम जब वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज हुआ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे समाज में जो कुछ भी है, जिस भी चीज की हमें जरूरत है, चाहे हमारी एजुकेशन हो, हमारी हेल्थ हो, हमारा एम्प्लॉयमेंट हो, हर एक चीज जिसका संबंध मनुष्य से है और समाज से होता है वो हमारे रिसोर्सेज में आ जाता है। जिस चीज़ के बिना हम लोग नहीं रह सकते, हमारे फूड, हमारी बेसिक नीड्स और बेसिक नीड्स के ऊपर भी हमारी जो अदर नीड्स हो जाती हैं, जब हम एक बेसिक नीड को पा लेते हैं उसके बाद हमारी और भी हमारी आकांक्षाएँ बढ़ती चली जाती हैं, तो वो सभी चीज़ें जो है हमारे रिसोर्सेज में आ जाते हैं। फिर आता है एलोकेशन को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये रिसोर्सेज का जो है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। थर्ड है अथॉरिटेटिव, डिसीजंस बैक्ड बाय अथॉरिटी एंड फोर्स। अब इसको हम किस तरह से, अथॉरिटेटिव को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, अथॉरिटी जहाँ पर वैलिडिटी आ जाती है, तो इसमें हम कुछ जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि एक प्रॉपर एक पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि ये हमारा एक इस तरह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, ये पूरा हमारा एनवायरनमेंट होता है। तो इसमें जब हमारी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक रिसोर्स के तौर पे आ गई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब सारे जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे स्कूल्स हैं, वो सब जो है ऑप्ट करेंगे। इसको ऑप्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव है। ये जैसे हमारी सरकार है उसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्यों है, क्योंकि जो जनता है उनके द्वारा उसे वैलिडिटी, उसे लेजिटिमाइज किया गया है। तो ये हो गया रिसोर्सेज का जो
डिस्ट्रीब्यूशन है वो अथॉरिटी के साथ जब होता है तो वो उसको जो है हम एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का इसको हम पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है या पॉलिटिकल सिस्टम का काम क्या है, तो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जब हमारे अथॉरिटेटिव जो इंस्टीट्यूशन है या अथॉरिटी के थ्रू जब किया जाता है और तो उसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। तो इतना जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इतना हम आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके आगे का हम देखेंगे कि ईस्टन सेड दैट एनी पॉलिटिकल सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। अब हम इनपुट को समझेंगे। इनपुट जिसे हिंदी में आगत कहा जाता है। द इनपुट कंप्राइजेस ऑफ डिमांड एंड सपोर्ट। डिमांड रेफर्स टू अ सेट ऑफ क्लेम्स, डिजायर, नीड एंड वॉन्ट्स मेड बाय द जनरल पब्लिक बिफोर द गवर्नमेंट। ये है पॉलिटिकल सिस्टम हमारा। ये पूरा ये जो है हमारा एनवायरनमेंट हो गया, ये हमारे इनपुट्स हैं। अभी हमने पढ़े हमारे जो इनपुट्स हैं वो डिमांड और सपोर्ट, दो हमारे जो है इनपुट्स हैं। अब डिमांड क्या होती है इसको हमें समझना है। डिमांड जनरली कि जो कुछ भी हमारी मांगे हैं, जो भी आम जनता अपनी जो कुछ भी आप अपनी अपनी ज़रूरत का, आप जैसे एम्प्लॉयमेंट है, अपनी एजुकेशन है, आप किसी भी तरह का बदलाव चाह रहे हैं, चाहे जैसे कि आप देखेंगे कि डिमांड्स में हम देखेंगे अभी कुछ टाइम पहले जो है किसान आंदोलन था वो भी एक डिमांड थी। इसके बाद अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो अग्निवीर जो है उनके द्वारा डिमांड की जा रही है इस योजना को वापस लेने की। तो ये सारी क्या होती हैं, डिमांड्स होती हैं। तो इनको हम कुछ इन एग्जांपल्स के साथ हम किस तरह से समझेंगे। अब ये एक डिमांड के तौर पर एक पॉलिटिकल सिस्टम में आएगी, तो ये एक किस तरह से आएगी, कौन इनको रोकता है। ऐसा होता है कि जितनी आम व्यक्ति, मतलब कि हम देखते हैं लगातार जो है आंदोलन, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगर बात करते हैं, यहाँ पर लगातार अलग अलग तरह के जो है आंदोलन चल रहे होते हैं, तो क्या जितने भी आंदोलन चल रहे होते हैं उनकी कुछ मांगे होती हैं, क्या सरकार के द्वारा उन सभी मांगों को स्वीकारा जाता है? नहीं स्वीकारा जाता है। उनमें से कुछ ही मांगे ऐसी होती हैं जिनको स्वीकारा जाता है। तो इन मांगों को फिल्टर कौन करता है, एक सवाल ये भी है कि कौन इन मांगों को फिल्टर कर रहा है। इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हमारा प्रोस्टिट्यूशन है उसको लीगलाइज किया जाना चाहिए। अब वो लीगलाइज किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये दे दिया है अपना, उनका निर्णय आ चुका है इस पर डिसीजन, लेकिन गवर्नमेंट उसको किस तरह से लेगी ये। अब गवर्नमेंट उसको फिल्टर, जो मतलब फिल्टर करने वाले जो डिफरेंट हमारे कि कौन कौन करते हैं इसको फिल्टर, उसमें हमारे आ जाते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, साथ ही जो है हमारे डिफरेंट कम्युनिकेशन के चैनल्स, हमारा जो है एक कुछ जैसे कल्चर को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि अब जैसे कि हमारा भारतीय जो संस्कृति है इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज को ध्यान में भी रखते हुए सरकार को विभिन्न मांगों को स्वीकार और स्वीकारना और अस्वीकारना होता है। मतलब कि अगर आप डिमांड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारी डिमांड्स को हमारा सिस्टम जो है एक्सेप्ट कर लेगा और उससे डिसीजन और पॉलिसीज आएंगी, ऐसा नहीं होता है। तो जनरली इनको कहा जाता है गेट कीपर्स। जो डेविड ईस्टर ने जिस टर्म का प्रयोग किया है उन लोगों के लिए वो है गेट कीपर्स, जो कि अनरेलेवेंट जो कंटेंट है, अनरेलेवेंट जो डिमांड्स है उनको रोकने के लिए। उनमें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे प्रेशर ग्रुप्स भी शामिल हैं, उनमें हमारे कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो भी शामिल हैं। अब कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट चैनल हैं इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी डिमांड इररेलेवेंट होती है या जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है तो उनको हम कैसे उनको जो है हम देखते हैं कि टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया में एक अलग तरह से जो है नैरेटिव उस पर चल रहे होते हैं उससे संबंधित कि उन्हें किस तरह से स्वीकारा और किस तरह से अस्वीकारा जाना चाहिए। इनपुट मॉडल, तो इनपुट मॉडल में जो डिमांड है और सपोर्ट है, डिमांड को हम समझ चुके हैं।
अब देयर इज ऑल्सो सपोर्ट मैकेनिज्म दैट सस्टेन्स द सिस्टम. द सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू द सिस्टम. तो जो सपोर्ट होता है वो किसी भी सिस्टम को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए हमने बहुत बार देखा है कि किसान आंदोलन जो एक मांग थी, एट द एंड गवर्नमेंट ने उस चीज़ को स्वीकारा. क्यों? क्योंकि वो उनके सिस्टम को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी था. वो आंदोलन काफ़ी उसने जो है एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया था, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था. अगर ऐसा नहीं सरकार करती तो उसको लेकर क्या होता है कि सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है उसमें कमी आने लगती है. तो ये जो है सपोर्ट मैकेनिज्म किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और बाकी अभी हम इसे जो ये इनपुट आउटपुट का जो मॉडल डेविड ईस्टर ने दिया है उसको हम समझेंगे कि सपोर्ट एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है. अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न देयर इज, अभी तो हमने इनपुट आउटपुट पे बात की, अब हम इसका जो एनवायरनमेंट है उस पर बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न देयर इज अनदर सिस्टम दैट कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट of the political system. This environment can be divided into two parts, intra-societal and extra-societal. अब ये intra-societal क्या है, जैसे कि हम एक तरह से आंतरिक पर्यावरण के तौर पर भी देख सकते हैं. Intra-societal system includes economy, culture, social structure or personalities. These segments are the part of the society of which the political system is itself a part. जैसे ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, तो ये हमारा जो है, अगर हम इसको, ये पूरा एक उसमें आ जाता है कि ये पूरा जो एक एनवायरनमेंट है. यहाँ पर जो आएगा वो इंट्रा सोसाइटी है. ये अगर हम भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम अगर यहाँ पर ये हम इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम समझ रहे हैं, तो ये हमारी इंट्रा सोसाइटी है जो इसके अंदर है. तो इंट्रा सोसाइटी क्या है, हमारे यहाँ पर हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, हर चीज़ हमारा जो है अलग तरह से चल रहा है. मतलब वो आप ये नहीं कहा जा सकता कि जो भारत का कल्चर है उसी तरह से जो है ब्रिटेन के, हर देश का, हर राष्ट्र का अपना अपना कल्चर है. तो इन सभी चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में. ठीक इसी प्रकार इससे जो बाहर है वो आ जाएगा हमारा. तो ये जो है इसमें जो है इंट्रा, जो ये इंट्रा सोसाइटी हो गई है, जिसमें कि हमारे इंटरनेशनल जितने भी हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, सॉरी इंट्रा नहीं एक्स्ट्रा. इंट्रा में तो हमने देख लिया जो भी हमारी देश की इकोनॉमी है, कल्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो इसमें शामिल होता है. कोई भी पर्सनैलिटी होती है, तो ये किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को अपने आप में प्रभावित करते हैं इसकी वो बात करते हैं. इसके अलावा एक्स्ट्रा सोसाइटल सिस्टम की बात की जाती है, जिसमें कि आपका इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ये सभी कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब शामिल होते हैं कि ये सब जितना भी एक्स्ट्रा सोसाइटल है ये किस तरह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है. चाहे वो UNO हो, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये सब क्या है, हमारा एक्स्ट्रा सोसाइटल है. इन्वायरमेंट के ये हमारे पार्ट होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के. वंस इनपुट इज रिसीव्ड बाय द सिस्टम इट बिगिंस प्रोसेसिंग द इनपुट्स व्हिच इज नोन एज कन्वर्जन प्रोसेस. तो अब जैसे कि ये इनपुट है, यहाँ से जो डिमांड जा रही है, यहाँ से वो एक कन्वर्जन प्रोसेस होती है, पॉलिटिकल सिस्टम में पहुंची, यहाँ पर एक कन्वर्जन प्रोसेस होती है, उसके बाद वो जो है डिसीजन और पॉलिसीज के तौर पर हमारे सामने आती हैं. तो ये हमारे हो गया आउटपुट मॉडल. जब वो डिसीजन और पॉलिसी के तौर पर हमारे सामने आ गई है, तो वो जो है इसको हम आउटपुट कहते हैं. ये एक इसे कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू ये होता है. जैसे इनपुट में जो भी डिमांड्स आई, उन वो एक कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू गुजरती हैं और उसके बाद आउटपुट हमारे सामने आते हैं. आउटपुट हमारे सामने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, हमारे पॉलिसीज, डिसीजंस के तौर पर सामने आते हैं. द कन्वर्जन प्रोसेस कन्वर्ट इनपुट इंटू आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रूल्स टू बी इन्फोर्स्ड एंड पॉलिसीज टू बी इम्प्लीमेंटेड. The output affects the environment and even modifies the input. जो output होता है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का जो
पूरा हमारा एनवायरनमेंट होता है तो उसको प्रभावित करता है, और साथ ही साथ जो हमारे इनपुट हैं, चाहे वो हमारी डिमांड्स हो चाहे हमारे सपोर्ट हो, वो उन पर भी प्रभाव डालता है, उनको मॉडिफाई कर सकता कर लेता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिसी है वो हमारे सामने आई तो उससे हमारे समर्थन पर भी असर पड़ता है, और इसमें फीडबैक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम देयर आर सर्टेन गेटकीपर्स, जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। गेटकीपर्स मैकेनिज्म दैट डिसाइड्स व्हाट वैलिड एंड इनवैलिड डिमांड इज, जो भी हमारी डिमांड्स होती हैं उनमें हमें कौन सी वैलिड है कौन इनवैलिड है, वो जो है गेटकीपर्स का रोल होता है कि किस डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुँचाना है। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी, जो भी जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज को और हमारे प्रेशर ग्रुप्स को, इनका जो है ये गेट कीपर के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। दे चूज सर्टेन डिमांड्स मेड बाय पब्लिक एज वैलिड एंड लेजिटिमेट एंड अदर डिमांड्स गेट रिजेक्टेड, बाकी जो डिमांड्स होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है हमारा इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। इसमें जो है फीडबैक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फीडबैक के माध्यम से ही पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी से हमारी जो जनता है, जो हमारे इसके जो भी बेनिफिशियरी हैं, जो भी पॉलिसी की जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, उनका इसको लेकर क्या ओपिनियन है, क्या वो उससे सेटिस्फाइड है या उससे डिससेटिस्फाइड है। तो इसमें जो है ये फिर से जो है यहाँ से सपोर्ट जनरेट होता है। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट गवर्नमेंट, हम लोग सपोर्ट किस तरह से सरकार को करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स देकर सपोर्ट कर रहे हैं, आप वोट देकर सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर कोई भी पॉलिसी आई है आपने उसको स्वीकार लिया है और बिल्कुल शांतिपूर्वक आपने उसको स्वीकारा है, तो वो भी एक तरह से समर्थन में में शामिल होता है। तो ये है डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम इनपुट, जिसे इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। इसमें ये इन्वायरमेंट, इनपुट, आउटपुट, डिसीजन और पॉलिसीज, डिमांड, सपोर्ट, फीडबैक, इन सभी चीज़ों को हम आज समझे हैं कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आज हमने डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल को समझा है, उसे किस तरह से व्यवहारिक तौर पर हमें हम उसे समझ सकते हैं, उनके सिद्धांत को हमने व्यवहारिक तौर पर अपने अपने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कनेक्ट करके समझने की कोशिश की है। तो अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे इसके अलग अप्रोच के साथ। थैंक यू सो मच।